आप लोग सब मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि दीदी आपको एम्स कैसे मिला 610 मार्क्स से, वो भी जनरल कैटेगरी की होके। सब लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आपको कैसे मिला बताइए, या फिर कोई और कैटेगरी से हो, कुछ फेक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। मेरे को 610 मार्क्स आए थे नीट 2020 में, और मुझे जनरल कैटेगरी से ही एम्स कल्याणी मिला था। मेरे जैसे ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको नीट 2023 में अभी 610, 615, 600, 605 इतने मार्क्स आए होंगे। उनको ये टेंशन हो रही होगी कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना दूर मिलेगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। ये सब टेंशन इस वक्त दिमाग में चलना नॉर्मल है। तो आइए चलिए जानते हैं कि इतने कम मार्क्स पे आपको कॉलेज कैसे मिलेगा और इतने कम मार्क्स पे मुझे कॉलेज कैसे मिला। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस जो मुझे लेके आए कि मुझे इतने कम मार्क्स पे कॉलेज कैसे मिला, वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होता है काउंसलिंग का, सेकेंड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है, उसके बाद बहुत बच्चे रुक जाते हैं कि यार इसके बाद तो कोई राउंड ही नहीं है, तो हमें कॉलेज कैसे मिलेगा। नहीं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है कि बहुत कम लोग इतने आगे तक जाते हैं कि इतनी हिम्मत होती है कि हम आगे तक और जाएं। तो एक राउंड और होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसके जरिए आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है। स्टूडेंट्स को मतलब 600 पे कॉलेज नहीं मिल रहा होता है ना, उन्हें वहां पे चांसेस होते हैं मिलने के। तो इसी राउंड के जरिए से मुझे भी कॉलेज मिला एम्स कल्याणी। आप लोगों को भी इतने कम मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है। जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड से मुझे कॉलेज कैसे मिला और मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया। अगर फ्यूचर में आपको ऐसी दिक्कत हो ताकि आप लोग भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक पहुंच के अपने लिए कॉलेज ले सकते हैं। तो जैसे मेरा जब नीट 2020 हुआ था, उस टाइम काउंसलिंग चल रही थी ना, तो मैंने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड, स्टेट काउंसलिंग, सेकेंड राउंड, सारे राउंड, यानी मॉपअप राउंड तक मैंने फिल किया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी कॉलेज नहीं मिला। मेरे मार्क्स थे 610 और लास्ट क्लोजिंग रैंक थी हर जगह 611। मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, वहां पर तो आपको पता ही है कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जाती है, वहां पे 618-617 कट ऑफ उस वक्त गई थी। स्टेट से तो कॉलेज मिल नहीं रहा था। तो फिर लास्ट राउंड था मेरे पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो मैंने मॉपअप राउंड तक सारे पार्टिसिपेट किए। उसके बाद मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरी इस चीज के लिए हेल्प की। मतलब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि सर अभी भी कोई राउंड कुछ है, कोई चांस बचा है मेरे पास कि मुझे उससे कॉलेज मिल सकता है। तो फिर सर ने मुझे इसके बारे में गाइड किया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, कैसे होता है। एक बात आप लोग याद रखना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो आपने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में किया होता है वही लास्ट तक चल रहा होता है। लेकिन उस वक्त मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, मैंने मॉपअप राउंड में गलती से डेंटल भर दिया था। मतलब मुझे डेंटल नहीं लेना था, लेकिन मैंने पता नहीं उस वक्त क्या मेंटल सिचुएशन थी, क्या था, मैंने डेंटल फिल कर दिया और मुझे गलती से डेंटल अलॉट हो गया था। क्योंकि इस मार्क्स पे डेंटल तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन मुझे एमबीबीएस चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मुझे पता लगा कि मुझे मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा से डेंटल अलॉट हो गया, मुझे वहां जाना नहीं था। लेकिन जब मुझे पता लगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड है और उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो मेरी सारी उम्मीद एक बार के लिए मान टूट चुकी थी कि यार मतलब उसमें ये होता है कि अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला होता है तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपको पहले कॉलेज मिला होता है, आपने छोड़ा होता है, तो आप आगे एलिजिबल नहीं होते हो। लेकिन उस वक्त अच्छी चीज ये हुई थी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए थे। मतलब पहली बार और आखिरी बार ही था वो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो उसकी वजह से मैं दोबारा रजिस्टर कर पाई, वरना मैं तो आउट थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अब जो आप फर्स्ट टाइम फिल करते हो वही आपका लास्ट तक चल रहा होता है। आगे का प्रोसीजर एम्स दिल्ली में था, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड प्योरली ऑफलाइन था। बस एक लास्ट ईयर था जो कोविड की वजह से वो ऑनलाइन हुआ था। तब भी ये हुआ था मेरे साथ कि 14 जैन को उसका फर्स्ट राउंड था स्ट्रे वैकेंसी का, उस वक्त पूरा कैंसिल हो गया था। पता नहीं रैंडम कुछ भी अलॉट हो गया था, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी बच्चों को। तो फिर उन्होंने फिर से उसका प्रोसीजर निकाला, फिर से सीट मैट्रिक सब कुछ फिर से निकला। 15 जैन को एम्स दिल्ली में फिर से उसका काउंसलिंग हुआ, तो उसके बाद मुझे फिर सीट अलॉट हुआ। एंड गाइस, जनरल कैटेगरी से मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट थी जिससे एम्स अलॉट हुआ था। उस एम्स कल्याणी की वो सेकंड लास्ट कुछ ऐसे सीट बची हुई थी। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कॉलेजेस में सीट खाली थी, लेकिन जनरल कैटेगरी से वो सेकंड लास्ट सीट खाली थी जो मुझे अलॉट हुई थी। 609 मार्क पे क्लोज हो गई थी, उसके बाद किसी को भी अलॉट नहीं हुए थे कॉलेज। और हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक ऐसा राउंड है ना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। कि अगर पता भी होता ना कि ऐसा कोई राउंड होता है, तो उन्हें प्रोसीजर नहीं पता होता है कि इसके अंदर कैसे फिलिंग करनी है, क्या करनी है। लेकिन एमसीसी की वेबसाइट पे इसके बारे में सारी डिटेल डालती है। वैकेंसी राउंड वो होता है जिसमें अगर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीट खाली रहती है एमबीबीएस के लिए, जितने जितने भी एम्स कॉलेज हैं उनके अंदर जो सीट खाली रहती है ना, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आती है।
चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए वहां पर अलग से एक ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से सीट बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे राउंड्स करने के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती है वो एमसीसी स्ट्रे राउंड के लिए ट्रांसफर कर देती है। मैं आपसे एक बात और शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी और आपको बेस्ट ऐप की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं आपको मेमोनीट ऐप सजेस्ट करती हूँ। मेमोनीट ऐप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो उसके अंदर दिया है नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स। नोट्स आपको शॉर्ट में दिए हुए हैं, पॉडकास्ट कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो उसको सुन के रिवाइज कर सकते हो, और क्रॉसवर्ड्स और मीम्स आपके समझने के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ ही में अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, जो बायोलॉजी में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस नीट में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ अच्छे से कर सकते हो और कोई भी टॉपिक इजीली रिवाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इसलिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है सॉल्व करते वक्त, तो उसमें आपका तुरंत एनसीईआरटी बेस आपको सॉल्यूशन में दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग आपकी मिस्टेक्स तभी सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन अलग से दिया हुआ, जिसके अंदर आप लोग पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए, जिससे आप लोग जो नेम रिएक्शन आपकी वीक हो उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज तीनों अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस बेहतर बना सकते हैं। हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसके लेक्चर वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो। साथ ही में इसमें भी फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन है, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही में टेस्ट सीरीज वो भी दे सकते हो। मेमोनी टैब की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, लोग वहाँ पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड SOA300 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप जितने हो सके उतने कैंडिडेट्स को पता लगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अगर आपको किसी और से नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो आप इस राउंड में पक्का ट्राई करें। मतलब लास्ट तक कभी भी ऐसे हार ना माने कि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। मेरा देख लो यार, मतलब मैंने तो रजिस्ट्रेशन सब कुछ गलत कर दिया था, फिर उसके बाद उस वक्त लकी चला था कि यार फिर से फ्रेश हुआ है सब कुछ, वरना अब तो उसमें जो फर्स्ट टाइम होता है वही होता है, उसके अलावा नए से कुछ भी नहीं होता है। भाई मैं जनरल कैटेगरी से ही हूँ, मेरे 610 मार्क्स ही थे, तो मुझे कुछ इस तरीके से मुझे एम्स कल्याणी अलॉट हुआ। लेकिन हाँ, नीट एक्सपीरियंस 2023 जिन्होंने इस बार नीट दिया, वो इस चीज़ की टेंशन ना ले कि स्टेट वैकेंसी राउंड अगर इसका होगा आपको पता नहीं लगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं उसके बारे में एक एक डिटेल्स आपके साथ पक्का शेयर कर दूंगी, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको किसी राउंड के बारे में नहीं पता लगा, आपसे सीट रह गई, तो उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन आप लोग भी बार बार एमसीसी की वेबसाइट्स पे देखते रहिए कि क्या काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, क्या होने वाला है, तो वो सब आप लोग खुद भी एक बार फॉलो करते रहना। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो डाउट्स थे मेरे को लगे कि मुझे एम्स कैसे अलॉट हो गए इतने कम मार्क्स में, वो सब क्लियर हो गए होंगे। भाई सच बता रही हूँ, जब कॉलेज मिला उससे बड़ी उस वक्त कोई खुशी नहीं थी एट लाइफ में। आज भी जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना कि मुझे किस तरीके से कहाँ कहाँ भाग के कैसे कॉलेज मिला, वो सिर्फ मुझे पता है वो कैसे था, कैसे हैंडल किया था। तो सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ आता है। अगर आपके इस वक्त मार्क्स कम आए हो तो उससे आप परेशान ना हो, आप लोग काउंसलिंग में पार्ट ले, काउंसलिंग को समझे अगर हो सके तो। अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, फिर से प्रिपरेशन कीजिए और नेक्स्ट ईयर पक्का अच्छे से नीट दीजिए। उस वक्त मैं बताऊँ, मेरे मन में चलता था कि भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बस अब कॉलेज चाहिए एमबीबीएस करने लाइफ में आगे बढ़ना। और यार एट लास्ट सच बताऊँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता एमबीबीएस में आने के बाद कि किसके कितने मार्क्स थे, किसके कितने मार्क्स नहीं थे। आप जब एम्स में इतने सारे बच्चे होते ना तो सब बराबर होते हैं एक बार के लिए, क्योंकि किसी के अच्छे मार्क्स होते हैं, किसी के कम भी होते हैं। लेकिन पढ़ाई एमबीबीएस में आके सबको उतनी ही करनी पड़ती है, सब होते उतने ही इंटेलिजेंट हैं। आपको कैसे भी करके कॉलेज में लाओ, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो एक स्टेप पर। अब आपको आगे यहाँ से पढ़ना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सब आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाकी प्रोसीजर क्या था, तरीका क्या था पहुंचने का, अल्टीमेटली होता है कि आप पहुंच गए हो कि एम्स में ऐसा कॉलेज मिल गया है, प्रेस्टिजियस कॉलेज मिल गया है, आपके पास एम्स का टैग है, आप आगे फ्यूचर में कहीं भी काम करोगे तो आप बोल पाओगे कि हाँ मैं एम्स होने वाला हूँ, मैंने एम्स से पढ़ाई की है, ये सब कुछ। तो ये सब सोच के भी अच्छा लगता है, ये सब एक अच्छी फीलिंग है।